हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बेसिकली आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वीडियो बनाने का पर्पस है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो EMIs को लेकर रिलैक्सेशन आया है 3 महीने के, तो उसी पे जस्ट मैं आपको ब्रीफ करने जा रहा हूँ। देखिए, अभी जो ये कोरोना वायरस का इशू चल रहा है इंडिया में, उसको लेकर 27 मार्च को RBI ने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो भी टर्म्स लोन है बेसिकली, तो उसमें RBI ने बैंक से रिक्वेस्ट की थी कि बैंक्स उन टर्म्स लोन पे 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दे। मोरेटोरियम मींस मतलब 3 महीने का रिलैक्सेशन दे कि कोई EMI या इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी पड़े क्लाइंट्स को। बेसिकली RBI का जो सर्कुलर था उसमें पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 ही इस बारे में डील करते हैं। पॉइंट नंबर 5 जो डील करता है वो बेसिकली टर्म लोन के लिए करता है। पॉइंट नंबर 6 जो करता था वो वर्किंग कैपिटल लोन के लिए, मतलब OD और CC लिमिट के लिए करता है। OD एंड CC लिमिट, ठीक है। बेसिकली अगर मैं पॉइंट नंबर 5 की बात करूँ, जो टर्म लोन पर रिलैक्सेशन दिया गया है 3 महीने का, वो आपने अगर लोन लिया है किसी भी कॉमर्शियल बैंक से, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक से, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर NBFCs हो, तो मान के चलो मैक्सिमम सारे जो भी लेंडर्स हैं वो सारे कवर्ड हैं ऑलमोस्ट लगभग। तो इसमें बेसिकली जो मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया है वो 3 महीने का दिया गया है, ठीक है, सभी टर्म्स लोन पर, कोई भी आपका टर्म लोन हो। और टर्म लोन बेसिकली इसमें एक कंडीशन रखी है कि टर्म लोन वो 1 मार्च 2020 को आपका एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई टर्म लोन 2 मार्च को मतलब स्टार्ट हुआ है, तो उस पर ये मॉरेटोरियम पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और RBI ने बेसिकली बैंक्स को ये बोला है कि जो 3 महीने का एक्सटेंड करना है, मतलब आपको रिलैक्सेशन देना है, वो जो भी आपकी लोन रिपेमेंट शेड्यूल होगा, फॉर एग्जांपल आपका 5 ईयर्स का था लोन, ठीक है, RBI की ने जो ये रिलैक्सेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग ये 3 मंथ्स और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब 5 साल 3 महीने चलेगा, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, RBI ने मेल लगाया है कि ये सब्जेक्ट टू बैंक अप्रूवल है। अभी जो RBI ने अनाउंसमेंट किया है उसका मतलब ये नहीं है कि ये एप्लीकेबल हो गया है। बेसिकली RBI ने बैंक से रिक्वेस्ट की है कि ड्यू टू कोरोना वायरस जो सिचुएशन है उसके चलते हुए बैंक्स को रिलैक्सेशन देना चाहिए अपने कस्टमर्स को EMI की रिपेमेंट में, ठीक है। तो इट इज़ सब्जेक्ट टू फर्दर बैंक अप्रूवल, ओके। एंड सेकंड जो पॉइंट नंबर 6 में RBI ने बोला है बेसिकली वो वर्किंग कैपिटल्स के रिगार्डिंग बोला है कि वर्किंग कैपिटल पे OD और CC लिमिट में नॉर्मली क्या होता है, हर महीने इंटरेस्ट की पेमेंट होती है। तो RBI ने इसमें रिक्वेस्ट किया है कि जो भी इन 3 महीने का इंटरेस्ट होगा वो एक साथ आप काट लेंगे 3 महीने बाद, ठीक है, जो भी आपका पीरियड होगा उसमें एक साथ आपका चला जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली देखिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मॉरेटोरियम RBI ने 3 महीने का रिक्वेस्ट किया है बैंक्स को, मॉरेटोरियम का बेसिकली मतलब होता है EMI हॉलीडे, मतलब 3 महीने तक आपको कोई EMI नहीं देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 महीने की आप नहीं दोगे तो ये 3 महीने आपके बाद में ऐड हो जाएंगे, जो भी आपका लोन रिपेमेंट शेड्यूल होगा ना, लोन की ड्यूरेशन होगी, उसमें ये महीने यहाँ से शिफ्ट होके पीछे चले जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि इस ये जो 3 महीने का आपको मॉरेटोरियम दिया गया है, इस बीच जो इंटरेस्ट लगना है वो आपको लगेगा ही, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पेमेंट की रिलैक्सेशन दी जा रही है, अदरवाइज जो इंटरेस्ट वगैरह लगना होगा इन 3 महीने का वो ऑब्वियस लगेगा ही। और देखिए अगर मैं आपको टर्म लोन डिफाइन करूँ क्या होता है, तो इसमें किसी भी टाइप का लोन जो जिसमें एक फिक्स ड्यूरेशन होती है कि आपको इतने टाइम में वापस करना ही करना है। और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो इसमें होम लोन आता है, बिजनेस लोन आ जाएगा, ठीक है, पर्सनल लोन आ जाता है, एजुकेशन लोन आता है, ऑटो लोन आ जाएगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है, गोल्ड लोन भी इसमें कवर्ड होता है। और दूसरा कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स होती है ना, जो मतलब फ़ोन निकाल लेते हैं EMI पे, फ्रिज निकाल लिया, TV निकाल लिया, नॉर्मली ये बजाज फिन सर्व करता है ये, और कैपिटल फर्स्ट भी था पहले, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें बेसिकली क्रेडिट कार्ड को कवर नहीं किया गया है, इसका मतलब है आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हर महीने करना ही करना है, ओके। और दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट, मैंने बता दिया आपको इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। और फॉर एग्जांपल ये जो 3 महीने का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो इस बीच जो आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, ये पेमेंट बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, RBI ने बोला है बैंक को, अगर बैंक भी अप्रूवल देता है
तो आपके जो सिबिल होगा उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ना ही आपका सिबिल स्कोर डाउन जाएगा और ना ही आप डिफॉल्टर कहलाएंगे, ठीक है, दोनों चीज़ नहीं होंगी। ओके, तो बेसिकली अगर मैं आपको कंक्लूड करूँ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बैंक में कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि RBI ने सिर्फ बैंक को रिक्वेस्ट किया है, ना कि बैंक को मैंडेटरी बोला है कि आपको करना ही करना है। तो इस केस में आई विल एडवाइज कि आप अपने बैंक में बात कीजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि ड्यू टू कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन सिचुएशन हम लोन रिपेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो बैंक होपफुली आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और आपको मॉरिटोरियम अलाउड करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं देख रहा था बहुत से बैंकों ने अभी डिक्लेयर कर भी दिया है, फॉर एग्जांपल SBI ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो 3 महीने का मॉरिटोरियम पीरियड दे रहे हैं, आपको अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने IDFC फर्स्ट बैंक का भी देखा है, बट IDFC फर्स्ट बैंक के केस में उन्होंने ये बोला है कि सबको इंडिविजुअली अप्लाई करना होगा मॉरिटोरियम के लिए, तो इट मीन्स जो अप्लाई करेगा ये सिर्फ उसको ही रिलैक्सेशन देगा IDFC फर्स्ट बैंक। ये तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी सभी केसेस में आपको इंडिविजुअली मैं एडवाइस करूँगा कि इंडिविजुअली आपको बैंक में मेल ड्रॉप कर दीजिए या फिर उनको ट्वीट करके उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, बट ऑब्वियस आई विल रिकमेंड कि आपको उनसे कॉन्टैक्ट करके ही कन्फर्म करना है। और दूसरा, जो भी इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल होते हैं, ठीक है, उस पर भी आप एक वॉच रखिए कि वो लोग क्या अनाउंसमेंट करते हैं, मेल भी अपना मतलब चेक कीजिए कि मेल के थ्रू भी वो कुछ मतलब अनाउंसमेंट करते हैं नहीं है। बट आज की अगर मैं बात करूं तो आज का सिर्फ मुझे 2 का ही कन्फर्म है, SBI और IDFC, बट स्टिल मैं सभी केसेस में आपसे बात बोलूँगा कि आप अपने बैंक से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, कस्टमर केयर नंबर या उनका जो भी हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात करके आप खुद अपने लेवल पे सेटिस्फाई करें कि आपके केस में एप्लीकेबल है या नहीं। और दूसरा, मैं यही एडवाइस करूँगा, अगर आपके पे फंड का इश्यू नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं करें, क्योंकि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट दे नहीं है, तो ऑब्वियसली आई रिकमेंड कि आप इसका पेमेंट करें अगर फ़ंड अवेलेबल है। अगर फ़ंड का इशू है तो ऑब्वियस आप बैंक को अप्लाई कीजिए जो भी मोरेटोरियम पीरियड गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है। और दूसरी चीज़, इसका जो फॉर्मेट होगा, मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो लेटर का फॉर्मेट होगा मैं डाल देता हूँ, आई थिंक वो आपकी हेल्प करेगा बैंक को मेल लिखने में। एंड दूसरा, RBI का जो सर्कुलर आया है वो कम्प्लीट सर्कुलर भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो होपफुली ये भी आपके काम आएगा। बट अगर अब मैं कंक्लूड करूँ तो मैक्सिमम मैंने आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दिया है, होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।